रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। रब्बे पाक से दुआ है कि वह हम सब की तमाम मुश्किलात, तमाम परेशानियों को दूर करे, हमारी औलादों को नेक और सालिया औलादे बनाए और हमारे रिजक में, इज्जत में इजाफा फरमाए, हमारे दस्तरखानों में वसत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी, आज मैं आपके साथ वाइट कढ़ाही की रेसिपी शेयर करूंगी। जिस तरीके से मैं तैयार करती हूँ, ये बनाने में बहुत आसान है, तो चलिए इसको झटपट बनाना शुरू करते हैं। तो जी, ये गोल्डन होना शुरू हो गया, तो अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी। अगर आपको पसंद हो तो शामिल करने हैं, नहीं तो अवॉइड भी कर सकते हैं। इसको भी मैं कर लूँगी ताकि ये भी अच्छे से इसके साथ ही फ्राई हो जाएगा। इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त जो है वो गोल्डन हो चुका है। इसमें मैं हाफ कप जो है वो पानी का शामिल करूंगी। अब मैं मज़ीद इसको पानी के साथ जो है 5 मिनट पकाऊंगी ताकि गोश्त अच्छे से टेंडर हो जाए, अच्छे से गल जाएगा। व्हाइट कढ़ाई के लिए जो मैं योगर्ट लूँगी, दही, ये बिल्कुल पानी के बगैर बहुत प्यारा थिक है, ये वाला मैं शामिल करूँगी। तो इस योगर्ट में मैं जो है ड्राई मसाले वो शामिल कर लूँगी। ड्राई मसालों में मैंने लिए सूखा धनिया, इसको मैंने हल्का सा भून के दो क्रश कर लिए है। ज़ीरा, ये दोनों एक एक टेबल स्पून है। ब्लैक पेपर, ये टी स्पून है, टेबल स्पून नहीं है, एक टी स्पून मैंने लिए। वाइट जो पेपर होते हैं, ये मैंने होल लिए थे, इनको मैंने क्रश कर लिए, ये भी टी स्पून है, एक टी स्पून है, टेबल स्पून नहीं है। इन सबको मैं इस दही में शामिल कर लूँगी। इन सबको मैं इस योगर्ट में शामिल करके मिक्स कर लेती हूँ। आप गोश्त के ऊपर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इस तरीके से इसमें शामिल कर लूँगी। तो ये देखें जी, पानी के साथ बहुत अच्छे से गल चुकी है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी ये मसाले वाला योगर्ट। अगर आप मसाले अलहदा से डालते हैं तो इस स्टेज पे आप मसाले जो हैं वो शामिल कर सकते हैं, करके फिर आप दही जो है वो शामिल करेंगे, लेकिन मुझे इस तरीके से ईजी और बेस्ट लगता है, इसलिए मैंने मसाले जो है वो दही में शामिल करके फिर इस तरीके से शामिल किए हैं। मैं 4 से 5 अदद जो है सब्ज़ मिर्चें शामिल करूंगी। ये तेज़ वाली है तो इसलिए आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसको शामिल कर सकते हैं, या जो स्पाइस दूसरे डाले हैं ब्लैक और वाइट मिर्च वो कम कर दें। ये जो एक्स्ट्रा ऑयल है ये मैं इसका सारा निकाल लूंगी। आप पहले भी निकाल सकते हैं, जिस टाइम मुर्गी फ्राई कर चुके हैं तो आप निकाल सकते हैं, मैंने उस टाइम नहीं निकाला था, और अब जो है वो मैं एक्स्ट्रा ऑयल इसका सारा निकाल लूँगी। इसकी माशाल्लाह से बहुत अच्छी भुनाई होगी है, और जितनी ज़्यादा भुनाई करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। जितने प्यार से तवज्जो से खाने को बनाया जाए उतना ही ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार जो है वो आपका खाना तैयार होगा। ये देखें जी, ज़बरदस्त मेरी कढ़ाई जो है वो भुन चुकी है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी क्रीम। आप जिस इलाके में, जिस मुल्क में रहते हैं उसके मुताबिक उस ब्रांड से आप डाल सकते हैं। जैसे कि मैं यूके में रहती हूँ तो यहाँ पे ये वाली क्रीम है, ये वाली मैं यूज़ कर रही हूँ। जो आपको अवेलेबल हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। ये मैं 2 से 3 टेबल स्पून इस पर क्रीम शामिल करूँगी। जी, अब मैं इसकी फ्लेम करूँगी ऑफ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी कढ़ाई तैयार हो चुकी है। अब मैं इसके ऊपर ये जुलियन कटी हुई अदरक शामिल करूँगी।
और आपको जैसे पसंद हो वैसे बना के आप इंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अगर मेरी वीडियो, मेरी रेसिपी आपको इजी और अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। मेरी रेसिपी को अपने साथ, अपनी फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर करके बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफिज़।